नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोको M4 5G वर्सेस OnePlus Nord N20 SE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो M4 5G में 2.99 इंच जबकि Nord N20 SE में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है जो कि M4 5G से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो M4 5G में 200 ग्राम जबकि Nord N20 SE में 187 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M4 5G में 6.58 इंचेस जबकि Nord N20 SE में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M4 5G में 1080x2400 और Nord N20 SE में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M4 5G में 83.92% जबकि Nord N20 SE में 84.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M4 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nord N20 SE में 267 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो M4 5G में दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Nord N20 SE की बात करें तो इसमें भी हमें दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M4 5G में Mali G57 MC2 जबकि Nord N20 SE में Powerwell GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M4 5G में MediaTek Dimensity 700 MT6833 और Nord N20 SE में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो M4 5G में 6GB जबकि Nord N20 SE में 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो M4 5G में 128GB जबकि Nord N20 SE में 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो M4 5G में अप टू 512GB जबकि Nord N20 SE में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो M4 5G में 3 कलर्स जबकि Nord N20 SE में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M4 5G 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Nord N20 SE की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो पोको M4 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें OnePlus Nord N20 SE की तो उसमें 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है,
फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M4 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A76 है, दूसरा टेक्नो स्पार्क 9 है, तीसरा टेक्नो स्पार्क 8C है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord CE2 Lite 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।